हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा से सपोर्ट करें। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड के अंदर मिलियन ऑफ लोग परेशान हैं। ये एक सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ आर्थराइटिस है जिसके अंदर जो हमारी कार्टिलेज होती है, जो कि दो बोन्स के बीच के अंदर फ्रिक्शन ना प्रोवाइड हो इसके लिए कुशन प्रोवाइड करती है, वो टाइम के साथ या किसी और फैक्टर की वजह से ब्रेक डाउन हो जाती है। यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो नष्ट हो जाती है। तो कार्टिलेज के डैमेज की वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो एक दूसरे से रब होती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। इसको हम दूसरी तरीके से इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो कार्टिलेज होती है वो गैप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। जैसे ही कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो हमारे जो बोन्स के बीच में गैप होता है, जो कि एक जॉइंट में क्लियरली विजिबल होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और इस फ्रिक्शन की वजह से पेन। तो यूजुअली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये किसी भी जॉइंट के अंदर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये नी जॉइंट और हिप जॉइंट के अंदर देखा गया है। स्पोर्ट्स पर्सन यानी जो लोग खेलते हैं उनके अंदर स्पाइन का ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनके अंदर एकदम से सडन फोर्सेस लगती है स्पाइन के अंदर, जिस वजह से स्पाइन के अंदर चेंजेस आते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी सीवियर बीमारी उनको हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ मैनेज हो सकते हैं एक बार जो शरीर के अंदर या जॉइंट के अंदर जो चेंज आ गया वो रिवर्सिबल नहीं है, वो इररिवर्सिबल है। साथ ही हम और सिर्फ इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस से, जिससे कि हमें दर्द ना हो और हमारी जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो, हमारे जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ है हम उसे अच्छे से कर पाएँ। लेकिन जो जॉइंट के अंदर एक बार चेंजेस आ चुके हैं वो रिवर्स नहीं होंगे। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस की, कि अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले जो ये सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और टाइम के साथ वर्स होते आते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम है पेन यानी दर्द। पेशेंट को या सब्जेक्ट को दर्द हमेशा रहेगा, साथ में जब वो काम करेगा तो उसका दर्द ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू जब वो खाली है। जब वो चलेगा या फिर वेट बियरिंग में होगा तो उसका दर्द बढ़ेगा एज कम्पेयर टू जब वो बैठा होगा या वो लेटा होगा। सेकेंड सिम्टम आता है स्टिफनेस। जॉइंट जो है वो अकड़ जाता है। यूजुअली ये देखा जाता है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनके अंदर जब वो सुबह उठते हैं तो उनका जो जॉइंट है जिसके अंदर आर्थराइटिस है वो अकड़ जाता है, चाहे वो कंधा हो या घुटने हो। घुटने के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी गई है। तो सबसे ज़्यादा स्टिफनेस घुटनों में बहुत कॉमनली देखी जाती है। इसी वजह से जो लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है नी का, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमसे चला नहीं जाता, हमारे घुटने जाम पड़ जाते हैं। थर्ड सिम्टम है टेंडरनेस। कहने का मतलब है अगर हम जिस भी एरिया के अंदर आर्थराइटिस है उसको अगर हम हाथ लगाएं या उसको हम फील करें तो हमें वहाँ पे उस पेशेंट के अंदर ये देखेंगे उसको दर्द हो रहा है। अगर आप भी अपने हाथों को अपने जॉइंट पे लगाएं जहाँ पे भी प्रॉब्लम है तो आपको भी दर्द महसूस होगा। इसको हम कहते हैं टेंडरनेस। चौथा सिम्टम है लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब है पहले तो जैसे अब हम बात करते हैं नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो घुटने की जितना भी रेंज ऑफ मोशन है यानी घुटना जितना भी हमारा मूव करता है वो उतना मूव नहीं कर पाता जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो फिफ्थ है ग्रेटिंग सेंसेशन। कहने का मतलब कुछ लोगों को जब वो अपने घुटनों को मोड़ते हैं, फिर अगर कंधे का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कंधे की मूवमेंट करते हैं, हाथ ऊपर नीचे करते हैं,
या फिर पैर आगे पीछे करते हैं तो उनको एकदम से पॉपिंग साउंड या फिर एक चटक सी साउंड आती है जॉइंट में से। ये साउंड आनी नॉर्मल नहीं है, और ये साउंड जब भी आती है जब आपकी कार्टिलेज डैमेज हो और जॉइंट स्पेस जो है जो कि मेंटेन होता है कार्टिलेज से वो रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से हड्डियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और उसके मिलने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं पॉपिंग साउंड। ये नॉर्मली नहीं आनी चाहिए, और अगर ये आ रही है तो शायद आपको चांसेस हैं कि आपको अर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है। उसके बाद वहाँ पे आपको स्वेलिंग दिखेगी। बहुत से केसेस में मैंने ये देखा है कि जिसको भी अर्थराइटिस की दिक्कत होती है जिस जॉइंट पे, उस जॉइंट के आसपास उसके अंदर सूजन देखी जाती है। ये बहुत ही कॉमन है और इसका इलाज बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल भी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई पेशेंट अपना एक्सरे कराएगा तो एक्सरे के अंदर ये बहुत क्लियरली देखा गया है कि बोन स्पर्स दिखते हैं। बोन स्पर क्या होते हैं? जो आपकी हड्डियाँ होती हैं ना, हड्डियों के आसपास से कुछ एरिया इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं बोन स्पर। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसकी वजह से जो जॉइंट है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आती है। कहने का मतलब ऐसा लगता है कि हमारे जो जॉइंट है उसमें कुछ अकड़ रहा है। जैसे अगर घुटने का अर्थराइटिस है तो ऐसा लगता है घुटना जाम हो रहा है और घुटने के बीच में कुछ अटक रहा है। तो अगर ऐसी कोई सेंसेशन अगर आपको आती है तो ये सारे सिम्टम्स आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि शायद आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये नहीं बता पाएंगे कि किस स्टेज का है, बट हाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम शायद आपको है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस की, कि किस वजह से आर्थराइटिस होता है। तो आर्थराइटिस एक या दो दिन की बीमारी नहीं है, ये धीरे धीरे बनती है। क्या होता है, या तो एज के साथ यानी उम्र के साथ साथ जो हमारे शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं उस वजह से जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो और जो जॉइंट है वो एक दूसरे से रब हो और हड्डियाँ उसकी वजह से आवाज़ भी करें और हमारा चलना भी मुश्किल कर दें, जैसे कि हम घुटने के आर्थराइटिस में देखते हैं। या फिर किसी वजह से वियर एंड टेयर हो, या तो वो किसी बीमारी की वजह से हो या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो बचपन में, उसके बाद तब तो वो एक्सीडेंट की वजह से जो चोट आई थी वो ठीक हो गई हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसने किसी भी हिस्से को डैमेज कर दिया जो कि आगे जाके अर्थराइटिस बन सकता है और वहाँ के पूरे जॉइंट को खराब कर सकता है। जब तो हमें ये लगता है कि हमारा जॉइंट ठीक है, लेकिन बाद में वो जॉइंट खराब होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर इसका एक और बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज देखा गया कि जो लोग एक्टिव नहीं है, फटीक हैं, बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम करते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है, एक तरफ की मांसपेशियां टाइट यानी एक तरफ की मसल टाइट हो जाती है और एक तरफ की मसल्स वीक और लूज। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि आगे, जैसे घुटने का ही अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो घुटने में आगे की तरफ की जो मांसपेशी है वो बिल्कुल खिंच गई हूँ और पीछे की तरफ वाली बिल्कुल रिलैक्स हो गई हो। तो जब हम चल रहे हैं तो कायदे से 50-50% दोनों काम करनी चाहिए, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा टाइट है वो ज़्यादा काम करती है, जिस वजह से हमारा जो जॉइंट है उसके अंदर गलत सेंस से फोर्स जनरेट होती है जो कि हमारी कार्टिलेज को डैमेज कर सकती है और इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हमें हो सकती है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी किस कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्डर एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस की वजह से जॉइंट के अंदर चेंजेस आएंगे और जॉइंट के चेंजेस की वजह से आर्थराइटिस जैसी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर की। तो एक स्टडी के अंदर ये देखा गया है कि जो फीमेल्स होती है यानी वुमेन्स होती हैं उनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इस स्टडी के अंदर इसकी रेलिवेंसी नहीं दिखाई गई कि क्यों होता है ऐसा, लेकिन हाँ ये देखा गया है कि ऐसा होता है। तीसरा है मोटापा यानी ओबीसीटी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनके अंदर ये बहुत जरूर देखा गया है कि जो उनके हिप रीजन है या फिर घुटनी का यानी घुटनों का रीजन है उसके अंदर जो शरीर का वजन झेलने की जो क्षमता है वो घट जाती है, क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिस वजह से जो उनकी कार्टिलेज है वो कॉन्स्टेंटली डैमेज होती रहती है और इसकी वजह से उनके जॉइंट के आसपास स्वेलिंग और टेंडरनेस हो जाती है।
और इस सब चीज़ों को अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो आगे जाके वो आर्थराइटिस में बदल जाती है। चौथा हम बात करेंगे जॉइंट इंजरीज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बचपन की कोई चोट या फिर किसी भी तरह का कोई भी जॉइंट के ऊपर डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट आया हो उसकी वजह से भी बहुत से चेंजेस आ सकते हैं जो कि आगे जाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस में बदल सकते हैं। साथ ही ये देखा गया है कि जो लोग खेलते कूदते हैं उनके अंदर अगर कोई डायरेक्ट इंजरी आ जाए, जैसे घुटने के ऊपर किसी के डायरेक्ट कोई ऐसी जानदार चीज आके लग जाए जिसकी वजह से उनका घुटना डैमेज हो जाए, तो उस वजह से भी आगे जाकर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। पांचवा है रिपीटेड स्ट्रेस। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा चलते हैं या जिनका काम है सिर्फ चलना या मार्चिंग करना, उन लोगों के जो जॉइंट पे बहुत ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा लोडिंग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो स्ट्रेस की वजह से भी जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है और जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। छठा है जेनेटिक्स। ये बहुत कॉमनली देखा गया कि किसी को अगर घर में ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है तो उनके बच्चों में भी ये पाया जा सकता है। ये इनहेरिटेड है, ये हमारे जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है और इसका कोई एक्सप्लेनेशन इसके अलावा नहीं है अभी। उसके बाद है बोन डिफॉर्मिटीज या फिर और कोई मेटाबॉलिक डिजीज। कहने का मतलब है आर्थराइटिस या तो इन चीजों की वजह से हो सकता है जो कि मैंने अभी ऊपर बताई, या फिर किसी और बीमारी की वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है। जैसे किन्हीं लोगों के शुरुआत से बचपन से ही कुछ जॉइंट ढंग से नहीं बने होते, या फिर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके अंदर पूरे शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं जिस वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव डिजीज है जो कि टाइम के साथ वर्स्ट होती चली जाती है। सबसे पहले तो जॉइंट पेन और स्टिफनेस होता है जो कि धीरे धीरे बढ़कर हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज में प्रॉब्लम करता है। उसके बाद ये जो एक्यूट जॉइंट पेन है वो क्रॉनिक पेन बन जाता है जिसकी वजह से हमारी जो नींद है वो खराब होती है और साथ में हमें डिपेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि हम कोई काम खुद नहीं कर पाते इसलिए हमें डिप्रेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस साथ में डिसेबिलिटी, ये कुछ ऐसे एक पैरामीटर्स बन जाते हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का इल इफेक्ट है और इसकी वजह से ही हमें प्रॉब्लम जो है और डबल ट्रिपल हो जाती है। इसी वजह से कहते हैं कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली साइन दिखते हैं तो उसे मैनेज करवाएं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और इसका ट्रीटमेंट कराएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस की, कि कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। सबसे पहले तो आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे से कर सकता है। वो क्या करता है, आपके जॉइंट को, जॉइंट की टेंडननेस चेक करता है, स्वेलिंग देखता है कि कहीं सूजन तो नहीं है, आसपास का एरिया देखता है कहीं रेड तो नहीं है, या और उसके बाद आपकी रेंज ऑफ मोशन देखता है कि कितना आपका वो जॉइंट है वो मूव हो रहा है। उसके बाद वो क्या करता है कि एक्सरे या फिर एमआरआई को रिकमेंड करता है। अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो आपको एक्सरे के लिए रिकमेंड करेगा। एक्सरे के अंदर एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि जॉइंट की जो स्पेस है वो रिड्यूस्ड है या नहीं है। अगर एक्सरे बहुत खराब आता है तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं एमआरआई पे। एमआरआई क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग इमेजेस बनाता है सॉफ्ट टिश्यू की। उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ हड्डियां ही नहीं, हमारी मांसपेशियों के बारे में भी हमें पता चलता है, जिसके बाद हम डायग्नोसिस को क्लियर कर देते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। साथ में अगर कोई और छुपी हुई बीमारी होती है तो उसकी भी पकड़ में आ सकता है। इसके बाद आजकल जो है वो लैब टेस्ट होने लग गए हैं, जैसे जॉइंट फ्लूइड एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं इस पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस की जगह कोई रूमेटेड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं उसे कोई गाउट की प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर कोई उसे इन्फेक्शियस ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है। तो इन सब केसेस के अंदर हम ब्लड टेस्ट और जॉइंट फ्लूइड एग्जामिनेशन या फिर एनालिसिस भी करवाते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि रिवर्स नहीं हो सकती, इसका ट्रीटमेंट से सिर्फ इसे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जो चेंजेस एक जॉइंट के अंदर हो चुके हैं उसको वापस नहीं लाया जा सकता। बहुत से डॉक्टर्स इस एक मेडिसिन के थ्रू ये क्लेम करते हैं
कि आपके घुटने में जो तकलीफ है वो वापस सब खत्म हो जाएगी, आपका घुटना नया जैसा बन जाएगा। तो ये सब गलत है, इन सब चीज़ों से आप बचें। जैसे इसके लिए अब हमें, अगर हम मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ मेडिकेशन हैं, जैसे एसिटोफिनैक होती है, या फिर आपका एनएसएड्स होती है जो आईब्यूप्रोफेन हो गई, या फिर और कोई होगी, मॉर्फिन हो गई, एडविल हो गई। ये सब क्या करती है, दर्द को कम करती है और वहाँ के जो सूजन है या फिर रेडनेस है उसे भी साथ साथ कम कर देती है, जिस वजह से जो हमारा दर्द है वो मैनेज रहता है। इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ये सिर्फ सिम्टम्स को पार्शियली कम करने में हेल्पफुल है। इसके बाद अब इसके अंदर हम दे सकते हैं मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं, अगर किसी की मसल बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो मसल रिलैक्सेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे बेस्ट इफेक्ट वाली थेरेपी की, जिसका नाम है फिजियोथेरेपी, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही ये ऐसी कुछ थेरेपी है जिसकी वजह से हम सर्जरी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है, जब आपसे सारे ऑप्शन हट जाते हैं, जब आपको सर्जरी करानी चाहिए, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि अब आपसे बिल्कुल चलन जा रहा, फिजियोथेरेपिस्ट को आप बहुत बार कंसल्ट कर चुके हैं, उन्होंने भी बोल दिया है कि आपका जॉइंट अब बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो चुका है, ग्रेड 5 की आपकी प्रॉब्लम है, तो गो फॉर सर्जरीज। बट उससे पहले एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और अपनी फिजियोथेरेपी से इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम से रिकवर्ड हों। इसके बाद एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है, इसके अंदर भी काफ़ी रिजल्ट्स देखे गए हैं। ये कुछ डे टू डे की एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको ठीक करती है, बट एज़ कम्पेयर टू फिजियोथेरेपी इसके कम रिजल्ट्स हैं। सो अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस की, कि कैसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को सर्जरीज के थ्रू ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कॉर्टिसोन इंजेक्शन की बात करते हैं। आजकल के टाइम के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिकेशन के इंजेक्शन आने लग गए हैं, जो कि डायरेक्ट जॉइंट स्पेस के अंदर जाते हैं। इससे क्या होता है, जॉइंट स्पेस के आसपास का जो एरिया है वो, उसके अंदर जितनी भी इन्फ्लामेशन या जितनी भी रेडनेस होती है या फिर स्वेलिंग होती है उसको रिड्यूस कर देता है। साथ ही ये मेडिकेशन जो है शुरुआत में तो असर करती है, 3 से 4 बार अगर हम इसे लगवाते हैं 1 साल के अंदर तो हमें बहुत कारगर साबित होती है, लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि रिसर्च के अंदर कि ये डैमेज भी करती है जॉइंट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड है ल्यूब्रिकेशन इंजेक्शन। ये भी देखा गया आजकल कि दूसरे टाइप के इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं लोग, जिसको हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, अगर आपके घर में कोई ऐसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है तो वो हाइलुरोनिक एसिड की मेडिकेशंस लेता है। तो हाइलुरोनिक एसिड को हम ये कहते हैं कि हमारी जो कार्टिलेज है जितनी डैमेज हो चुकी है उसको उतने पे स्टॉप कर देता है और वो कुशनिंग इफेक्ट को मेंटेन रखता है। तो उसके लोग इंजेक्शंस लगाने स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव भी है बट अप टू अ टाइम, और इसका इफेक्ट ज़्यादातर प्लेसिबो ही रहता है। नेक्स्ट है रियलाइनिंग द बायोमैकेनिक्स। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर मांसपेशी एक तरफ की टाइट हो और एक तरफ की लूज हो तो उसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर्जरिकली या फिर जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो ऑस्टियो सर्जन होता है वो क्या करता है, रियलाइन कर देता है बोन्स को या रियलाइन कर देता है मसल्स को इस तरीके से कि उनके बीच की जो टेंशन है वो कम हो जाए, वो एक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को मेंटेन रखे, मैं कहने का मतलब वो एक ऑप्टिमम लेंथ पे आ जाए, जिसकी वजह से जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी चीज़ जो आप लोगों ने सुनी होगी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसके अंदर आपका जो जॉइंट है उसे कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल जो आपके कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर जो है आपका घुटना नया हो जाता है, जिसे कहते हैं डॉक्टर्स अब आप अपना घुटना बदलवा लो, आप अपना नया घुटना लगवा लो, वो और कुछ नहीं है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। आजकल के डॉक्टर्स बिना देखे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि गलत है। आपको पहले इस फिजियोथेरेपी के थ्रू इसे ट्रीट करना चाहिए। अगर फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज पे जाना चाहिए, बट उससे पहले आपको प्रिवेंट कर देनी चाहिए सर्जरीज को, क्योंकि सर्जरीज आज के टाइम में बहुत आसान सी हो गई है, बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गई है, लेकिन हमेशा याद रखें सर्जरी इज नॉट अ ऑप्शन, इट इज द एंड।
जब आप बिल्कुल एंड स्टेज पे आ जाए, जब आपको सर्जरी कराना चाहिए, वरना नॉर्मली किसी को दिक्कत है और वो ये सोच रहा है कि आगे दिक्कत बढ़ जाएगी, इससे पहले मैं अपने घुटने बदलवा लूँ, तो ये गलत सोच है। आप उसको पहले फिजियोथेरेपी के थ्रू मेंटेन करें, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, एक्सरसाइज करें रेगुलर, फैट को कम करें, वेट बियरिंग को एनहेंस करें, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप स्टिक लेके मूव करें, या फिर आप शू इंसर्ट्स लगा सकते हैं, अपने शूज को चेंज कर सकते हैं, आप डॉक्टर सोल की चप्पलें पहन सकते हैं, या फिर असिस्टिव एड डिवाइसेस ले सकते हैं, जैसे जैसे डंडा हो गया यानी केन हो गया, या फिर वॉकर हो गया, किसी भी जरूर चल सकते हैं, बट सर्जरीज प्रिवेंट करें, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, बहुत इफेक्टिव रोल देखे। मैंने बहुत सी रिसर्चेस पढ़ी हैं खुद, जिसके अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू ही ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक बेटर और एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ, साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।